नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारती। कांग्रेसी नेताओं ने निकाली भड़ास। लंबे समय बाद एक बार फिर धड़ों में बटी कांग्रेस के सभी नेता एक साथ मंच पर दिखाई दिए। मौका था कांग्रेस उम्मीदवार पंकज संघवी के मुख्य चुनाव कार्यालय के शुभारंभ का। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद टंडन ने संगठन में उन्हें दरकिनार किए जाने को लेकर जमकर भड़ास निकाली। पंकज है मेरा दोस्त, पंकज ये तेरा भाई, जितना होगा जितना शरीर साथ देगा उससे ज्यादा काम करूंगा। तुम बोलोगे घूस में तो घूस में बैठूंगा, तुम बोलोगे कार्यालय तो कार्यालय में बैठूंगा, लेकिन ये कलंक मेरा चेहरा काला हो जाता है। शहर में तो जीतते ही नहीं है। अरे क्यों नहीं जीतते हो? ये बेटा संजय शुक्ला मेहनत करी तो जीत के आया कि नहीं? वो बेटा है मोहन संगर, मेहनत करी तो वोट बन पड़े। वो खड़ा है चिंटू चौक से, दोनों ने मिल के गिराया है। अरे ठान लो तो क्या नहीं हो सकता है? मन में जोश हो, मन में ईमानदारी हो, कोई चीज मायने रखती। और मैं आज सचिन भैया, जीतू भैया, तुलसी भैया, बाला भाई, पंकज के चुनाव को इन कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित करता हूँ। आप लोग तो अपनी ईमानदारी से काम करोगे, लेकिन मेरा ये कार्यकर्ता आज संकल्प लेगा, आज कसम खाएगा कि पंकज संघवी को हम जिताएंगे और आपके मस्तक पे तिलक करेंगे। बड़े आदमी बन जाओगे। आज कल क्या है, जो नेता बड़ा हो जाता है उसका दिल छोटा हो जाता है। ये तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे चारों मंत्री बड़े दिल के हैं। तो मेरा ये कहना है कि बड़ा दिल रखो, कार्यकर्ता की आवाज बनो, महिलाओं को ताकत दो और मेरे संकट भाइयों पे संकट आए तो खड़े हो जाओ। क्या आदेश से कुछ भी नहीं है। नमस्ते सदा वस्त्र मातृभूमि। अरे झूठ बोलो, जोर से बोलो, नौटंकी करो। अरे क्या नौटंकी करो, आजादी कांग्रेस ने दिलाई और ये मोदी से आजादी फिर कांग्रेस दिलाई। आज बक्का वाला करते, लेकिन मेरे जितनी भी ताकत है, मेरे खून का आखिरी कतरा भी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ेगा। विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। हम मौका पड़ा उन बड़े बड़ों से भी लड़ लेंगे जो कार्यकर्ता की आवाज नहीं सुनेगा। मेरे को खोलने को क्या है, 20 किलो वजन कम हो गया और क्या खोऊंगा? इतनी बड़ी बीमारी आ गई और क्या देखूंगा? मेरे को किसी का डर नहीं है, ना डरता हूँ, लड़ाई लड़ता हूँ। ना खानदान से राजनीति है, ना मेरे बाद मेरी औलाद राजनीति करेगी, लेकिन जब तक मेरी सांस है इस कांग्रेस पार्टी का काम करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा, कार्यकर्ता की आवाज बनूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। बात होती है, अगर भाजपा का कोई कैंडिडेट बनता है तो उसको अपने आप ही हर बूथ पे काम करने वाला, वोट निकालने वाला, पर्ची बांटने वाला और लोगों को वोट डलवाने तक की पूरी का पूरा मैनेजमेंट वहाँ के संगठन के कार्यालय से होता है। लेकिन यहाँ जब कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बनता है, क्योंकि मैं खुद भी चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं खुद भी जीता हूँ, तो वो चीज़ मैंने खुद ने भी फेस करी। हम सब की बात अगर बात आती है अगर कोई संगठन की पोस्ट की, तो लाइन लग जाती है नेताओं की कि हमको भी पोस्ट चाहिए, हमको भी पोस्ट चाहिए। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम सब हमारे आकाओं के अजी हजूरी करने लग जाते हैं। तो मेरा पूरा निवेदन है, हम सब को ऐसा सिस्टम डेवलप करें, हम सब के पास एक तंत्र शंत्र की कोई कमी नहीं है, सरकार हमारी है, हम सब कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, जोश की कमी नहीं है, लेकिन अगर कमी है तो सिर्फ मैनेजमेंट की।
हम सब अगर एक मुस्त होकर एक साथ पूरा मैनेजमेंट करें, एक संगठन की एक शक्ति पीछे से हम सबको मिलेगी, तो निश्चित तौर पर ये जो 8 बार की सीट हम सब हारे हुए हैं, निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी मंत्रीगण को, इस मंच को भी, कि जिस प्रकार से आज यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 3 विधायक हैं और तीनों कांग्रेस के हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं पूरा ग्रामीण क्षेत्र से कि हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। लेकिन उतना ही घंटा आपको भी इस शहर के अंदर भरना पड़ेगा, आप सबकी मदद इसमें भी लगेगी, ताकि जितने मंत्रीगण हैं आज जो मंच पर बैठे हैं, इनका सीना फूले और सिर ऊंचा हो सके, और ये भी सीना ठोक के कह सके माननीय कमलनाथ जी को कि हमने 8 बार की सीट, हारी हुई सीट आपको वापस आपकी झोली में दी है, भाई पंकज संघवी जी को हमने जिताया है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हम थोड़ा संगठन के ऊपर ध्यान दे दें, तो निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। और पिछली बार भी जब मेयर का चुनाव था, बहुत कम वोटों से हम हारे थे, लोकसभा का वोटों से हारे थे, आखिरी में जाके कहीं ना कहीं हम संगठन के नाम पे 0 हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है सभी मंत्रीगण से, मंच पे आसीन सभी नेतागणों को प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि संगठन पे थोड़ा ध्यान देते हैं, ताकि हम सब ये लोकसभा जीत सके। उम्मीदवार अच्छा है, हम चुनाव जीत गए, इन बातों से कभी चुनाव नहीं जीते जाते हैं। आप ये मान के चलिए कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं और आपको ताकत लगा के चुनाव जीतना है, तो चुनाव जीतो। हम 8 बार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी कांग्रेस के तरकश के सारे तीर हमने आजमा लिए हैं। हमारे काम करने के तरीके को इस बार बदलना होगा। चुनाव पंकज संघवी नहीं लड़ेंगे, चुनाव हम जो नीचे बैठे सब साथी हैं, असली चुनाव वही लोग लड़ते हैं। और मेरा निवेदन है इस बार तरीका बदल लो। 15 साल से और 8 बार से इस शहर में हम कहां से कहां आ गए, इस बार थोड़ा पैंतरा बदलो। पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने काम किया, तो आप खुद स्वयं तय करो कि हमने कहाँ कुछ गलत किया, कहाँ माना, कहाँ चूक हुई हमसे। आप खुद आत्मावलोकन करो, अपने कामों की खुद विश्लेषण करो, और आप अपनी योजना खुद बनाओ कि इस बार हम कैसे पंकज संघवी को संसद में भेजें। संसद में भेजने के बाद आपको दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिलेगा। Channel and press the bell icon for more updates.